महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद मुंबई में इस वायरस से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 13 पहुंच गया है, जबकि महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना वायरस से ये 18वीं मौत हुई। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 6 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे में 278 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 41 पुलिस अधिकारी और 237 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई, जबकि 473 पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के लगातार कोरोना की चपेट में आने के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार को घेर लिया और महामारी के बचाव के लिए पुलिस वालों को सुविधाएं ना देने का आरोप लगाया। पुलिस वालों के लिए जिस प्रकार के व्यवस्थाएं सरकार ने करनी चाहिए थी वो कोई व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को पूरा पेमेंट भी ठीक ढंग से मिलेगा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर सरकार के माध्यम से नहीं हो रही है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के एक और शहर सैन फ्रांसिस्को में बेघरों के लिए टेंट लगाए गए। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे और जो सड़कों के किनारे सोते थे, उन्हें इस महामारी का खतरा ज्यादा था, जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों के लिए टेंट का इंतजाम किया ताकि कोरोना के खतरे से वो बच सके। सैकड़ों टेंट लगाकर उनमें बेघरों को पनाह दी गई। हर टेंट के बीच दूरी का भी खास ख्याल रखा गया, जिससे लोग पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। संकट की इस घड़ी में ठिकाना मिल जाने के बाद लोग काफी खुश दिखाई दिए। बताया गया कि प्रशासन की ओर से बेघर लोगों को टेंट के अलावा कुछ होटल में भी ठहराने की व्यवस्था की गई। इससे पहले कैलिफोर्निया के कई दूसरे शहरों में भी बेघरों के लिए टेंट लगवाए गए थे। साइकिल से अपने पिता को दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा ले जाने वाली ज्योति कुमारी को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट के टेस्ट के लिए बुलाया है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर ज्योति उनके मानकों पर खरी उतरी तो न सिर्फ साइकिल टूर्नामेंट के लिए ज्योति की ट्रेनिंग देंगी, बल्कि उनके पढ़ने लिखने और खाने पीने की खर्चा भी फेडरेशन उठाएगी। ज्योति को जल्द ही दिल्ली आने के लिए कहा गया है। इस खबर के बाद ज्योति के घर परिवार और गांव में खुशी की लहर है। ज्योति को भी उम्मीद है कि वो साइकिलिंग फेडरेशन के उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। हमको बोला साइकिल में रेस लगाने के लिए और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन एक महीना का टाइम देने दिया है, एक महीना के बाद चलेगी। बोले ठीक है। वहाँ पे हम सूचना मिला जो वहाँ से फ़ोन आया है, जिनको भी बुलाया गया है। मैंने कोशिश किया अगर वहाँ तक सक्षम होंगे तो हम वहाँ तक पहुँचाएँगे लड़की को। इस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो जो नाम लड़के करते हैं, आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं। बिहार की ज्योति की अपने घायल पिता को साइकिल से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर लेने की खबर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भी प्रभावित किया। इवांका ट्रंप ने ज्योति की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने घायल पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके अपने गाँव ले गई। ये भारतीयों के धैर्य, प्रेम और भावना का प्रतीक है। दिल्ली में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने क्वारंटीन के नियमों में बदलाव के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच डॉक्टरों ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से अपने लिए 14 दिन काम और 14 दिन क्वारंटीन के नियम को फिर से लागू करने की मांग की। दिल्ली के कृष्णा नगर में पुलिस ने गाड़ी चोरी के आरोप में एक नाबालिग समेत 6 लोगों को पकड़ लिया। गुजरात एटीएस ने कुछ सालों से अलग अलग जगहों पर हुई करोड़ों की लूट के मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले छोटा राजन के साथ भी काम कर चुका है। हॉलीवुड अभिनेत्री शैरन स्टोन ने राजस्थान की एक सड़क पर कई मोरों के नाचने का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए राजस्थान आने का उन्हें न्योता दिया। गुजरात के गिर में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते हुए शेरों का एक झुंड एम्बुलेंस के सामने खड़ा हो गया। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब शेर रास्ते से नहीं हटे तो एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी करवाई गई। कुछ देर बाद महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्ची को जन्म दिया। शेरों के सड़क से हटने के बाद महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ठीक हैं।